हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं MSc एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के बारे में, जिसका हम आज आपको पेपर दिखाएंगे। पेपर होगा फंडामेंटल ऑफ वेजिटेबल प्रोडक्शन का, जिसका कोड है J1061। दोस्तों, आपको यह पेपर तीन खंडों में मिलता है, अति लघु, लघु और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में। तो लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं वो आपको 5 मिलते हैं, जो दो दो नंबर के होते हैं और 5 के 5 करने अनिवार्य होते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, टमाटर के फटने के कारण लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है, आलू की दो प्रमुख बीमारियों के नाम तथा उनका वाया कंट्रोल लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है, गोभी वर्गीय सब्जियों की पौध तैयार करने की विधि का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, सब्जी फसलों में मिट्टी चढ़ाने पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सब्जी के वाणिज्य व्यावसायिक फार्म का वर्णन कीजिए। और दोस्तों, आपको दूसरे खंड में लघु उत्तरीय प्रश्न मिलते हैं, जो इस प्रकार हैं। छठा क्वेश्चन देखो, भारतवर्ष में सब्जियों के उच्च कोटि के उत्पादन होने की दृष्टि से जलवायु एवं मृदा की भूमिका का वर्णन कीजिए। और सेवंथ क्वेश्चन है, सब्जियों के समन्वित कीट प्रबंधन IPM की विवेचना कीजिए। और सातवां क्वेश्चन हो गया। अब आठवां क्वेश्चन आपका ये है, टपक सिंचाई विधि क्या होती है, सब्जी की खेती में इसका क्या लाभ है। दोस्तों, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है जो आपको 10 नंबर में मिलते हैं। नवा क्वेश्चन देखो, ये इंग्लिश में है और इधर हिंदी। बैंगन, प्याज, लौकी, भिंडी और मूली की खेती का वर्णन तालिका के रूप में निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत लिखिए। वनस्पतिक नाम एवं कुल, मृदा एवं जलवायु, 10 उन्नत किस्में, बीज दर, बुवाई का समय एवं रोपण दूरी, खाद एवं उर्वरक, परिपक्वता अवधि एवं उपज, प्रमुख कीट एवं बीमारियां तथा उनके उपचार करने। और आपको 10वां क्वेश्चन, 1 हेक्टेयर फूलगोभी की खेती में निष्पादित होने वाली बीजो उत्पादन तकनीक का वर्णन करना। 11वां क्वेश्चन है, 1 हेक्टेयर टमाटर की खेती की कुल लागत एवं शुद्ध मुनाफा ज्ञात कीजिए। और 12वां क्वेश्चन है आपका, एक मेरठ शहर के समीप स्थित 5 हेक्टेयर व्यावसायिक सब्जी फार्म के लिए उचित फसल चक्र देते हुए रेखांकन कीजिए। यह सब्जी फार्म सड़क से जुड़ा है तथा सघन खेती के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस सब्जी फार्म की फसल सघनता ज्ञात कीजिए। और 13वां क्वेश्चन है, सब्जियों के वर्गीकरण के कौन कौन से आधार हैं। सब्जियों के वानस्पतिक वर्गीकरण का उचित उदाहरण देते हुए विस्तार से वर्णन कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, इस पेपर को आप अपने दोस्तों के लिए शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।